आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे चर्चा करूंगा कि अगर मान लीजिए कि सल्फेसी एक्ट के अंतर्गत कोई नीलामी होती है और उस नीलामी में आपने कोई प्रॉपर्टी परचेस किया है बैंक से, अब बैंक ने आपको सेल सर्टिफिकेट जारी कर दिया लेकिन आपको बैंक कब्जा नहीं दिला पा रहा है। जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी बैंक ने नीलाम किया है वो व्यक्ति कब्जा ही नहीं छोड़ रहा है उस जगह से। अब आप परेशान हैं, आप बैंक के में आपने एप्लीकेशन दिया है, आपने कलेक्टर के यहाँ एप्लीकेशन दिया है, आपने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया है, आपने कंज्यूमर फोरम में शिकायत किया, कोई रिलीफ नहीं मिल पाया, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, इस कंडीशन में मैं आपको मतलब जो मेरा तजुर्बा है कि आपको सिविल कोर्ट जाना चाहिए। मैंने इस प्रकार के केस सिविल कोर्ट में देखे हैं। और अगर मैं आपसे सजेस्ट आपको कर रहा हूँ कि आपको अगर सिविल कोर्ट जाना है तो आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि सर्फेसी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 34 के अंतर्गत सिविल कोर्ट का बार है। तो देखिए, सिविल कोर्ट का बार वहाँ पे है जहाँ सर्फेसी एक्ट के अंतर्गत कोई प्रोसीडिंग चल रही है और आप जो रिलीफ मांग रहे हैं सिविल कोर्ट से, वो सर्फेसी एक्ट के अंतर्गत जो रिलीफ मांगी जा सकती है आप वो मांग रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि सर्फेसी एक्ट की कोई प्रोसीडिंग है तो वहाँ पे अगर लोन की रिकवरी का कोई कंप्लायंस नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप चाहें तो DRT जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे मान लीजिए कि जहाँ पे मुद्दा कुछ अलग है, जैसा इस प्रकार से है कि सर्फेसी एक्ट के अंतर्गत जो प्रोसीडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, DRT कोई गया नहीं है, तो आपके पास अब आपको कब्जा चाहिए। तो कब्जे के लिए आप जो आपको केस फाइल करना है वो सिविल कोर्ट में केस फाइल करना, तो सेक्शन 34 इस पे आड़े नहीं आएगा। अब दूसरा सवाल ये है कि आखिर आप जो ये केस सिविल कोर्ट में फाइल कर रहे हैं ये किस पर्पज के लिए करेंगे? तो मुख्यतः मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको चार रिलीफ मांगना चाहिए आपको सिविल कोर्ट। सबसे पहला है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या है कि आपके पक्ष में घोषणा किया जाए किस प्रॉपर्टी के मालिक आप हैं। दूसरा है परमानेंट इंजेक्शन, मतलब कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे वहाँ पर। तीसरा है कब्जे को लेकर के कब्जा आपको दिलाया जाए। और चौथा है मेसने प्रॉफिट। ये क्या होता है, मान लीजिए कि आप बैंक ने आपको सर्टिफिकेट जारी किया है 2018 में और 2023 चल रहा है, पिछले 5 वर्ष वो व्यक्ति कब्जा नहीं दे रहा है, आपने पता किया कि जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी आपको मिलनी चाहिए 2018 में, अगर मैं उसको किराए पे देता तो हर महीने मुझे कम से कम 5,000 रुपये का हर महीने किराया मिलता उस पर, तो आप उसको काउंट करके कोर्ट में बताएंगे कि मेरे को मिसने प्रॉफिट का लाभ दिलाया जाए क्योंकि 2018 से लेकर के वो प्रॉपर्टी मेरी है, उसका मालिक मैं हूँ, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ, इसलिए 2018 से लेकर के 23 तक का जो मिसने प्रॉफिट होता है कि 5,000 रुपये हर महीने का जो भी काउंट आपका होगा, जो प्रॉपर्टी के हिसाब से वो वेरी करता है, उसका दावा आपको करना होता है। अब ये कितने टाइम के अंतर्गत आप कर सकते हैं, तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि इस कंडीशन में लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 65 लागू होता है और उस आधार पे, अपने हक के आधार पे आप अगर किसी प्रॉपर्टी के कब्जे का दावा कर रहे हैं तो आपके पास 12 वर्ष का समय होता है वो दावा करने के लिए। अब एक समस्या है कि आपको बैंक ने सेल सर्टिफिकेट तो जारी कर दिया लेकिन बैंक ने आपने उस प्रॉपर्टी के आपके पक्ष में रजिस्ट्री नहीं है, दूसरा पक्ष जो है वो दावा कर रहा है रजिस्ट्री उसके पास है, तो इस कंडीशन में देखिए, अगर आपके पास भले ही रजिस्ट्री नहीं है, आपके पास केवल सेल सर्टिफिकेट है बैंक के द्वारा जारी किया हुआ, तो वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है और उसके रजिस्ट्रेशन की या फिर उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। उस कंडीशन में आप चाहें तो केवल उसके आधार पर भी दावा कर सकते हैं और कोर्ट आपको केवल सेल सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपके पक्ष में ये सारे आदेश कर सकता है। इस संदर्भ में एक जजमेंट भी है, बी अरविंद कुमार वर्सेस भारत संघ के नाम से, ये 2007 का जजमेंट है, MP हाई कोर्ट के जजमेंट में ही बताया गया है कि सेल सर्टिफिकेट को किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप उसके आधार पर कब्जे का दावा कर सकते हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि हमने आपको जो शॉर्ट में ब्रीफ किया है कि आपके पास क्या ऑप्शन है, उस आधार पर आप सिविल कोर्ट जाइए और सिविल कोर्ट में ये सूट फाइल करिए, वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा। साथ में ही जो आपका जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस भी कोर्ट के द्वारा आपको दिलाया जाएगा, आप उसका भी रिलीफ में एक कॉलम डालें कि आपका जो एक्सपेंस, जो कोर्ट फीस वगैरह लगा है वो सारा जो भी आपका एक्सपेंस है वो जो रिस्पॉन्डेंट है वो बियर करेंगे। धन्यवाद साथियों।